गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर का समय हो गया है और खाना तो बन रहा है। इधर देखिए, आज खाने में क्या मैं बना रही हूँ। दोपहर खाने में दाल चावल और जा रही हैं टमाटर की चटनी बनाने। और ये टमाटर की चटनी छोंक के बनाएंगे हम। जैसे बहुत से होते हैं टमाटर, क्योंकि ठंडी का सीजन है, टमाटर धनिया पत्ती लहसुन मिर्चा डाल के लोग मिक्सर में बाटी पीस, लेकिन इसको छोंक के प्याज मिर्चा जीरा का तड़का दे के और टमाटर का ये चटनी बनाऊँगी। दाल चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और रात को पूरी बनाई थी, सादा पूरी है 4-5, तो मेरी वही रोटी नहीं छेकूँगी, उसी में हो जाएगा। तो गर्मा गर्म दोपहर में खाना दाल चावल। और 30 दिन आप दाल चावल खाओगे नहीं उगते हो, लेकिन एक दिन अगर पूरी पराठा खा लिए तो जरूर बोरिंग हो जाती है। तो बगैर दाल चावल का पेट भरता नहीं है, इसलिए दोपहर के खाने में अक्सर दाल चावल ही अच्छा लगता है। और बच्चे हैं, बच्चे लोग को तो दाल चावल अच्छा लगता है बच्चे के लिए। अभी मेरा होता तो मैं कुछ भी बना के खा लेती, लेकिन है ना, अभी आर्यन आएगा क्लासेस से तो बोलेगा कि आज संडे है और घर पे हूँ, पूरा विधिवत खाना नहीं बना है, चिल्लाने लगता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी दाल चावल डेली बनता है। कभी कभी ये होता है गैपिंग कर देती हूँ, पराठा सब्जी या घुघरी पराठा बना देती हूँ तो चिल्लाता है वो। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं फटाफट चटनी बना के, चावल हमारा हो गया है, देखती हूँ और चटनी बन जाएगा, जरूर आप लोग को दिखाऊंगी कैसा चटनी बना हुआ है। तो इधर देखिए, हमारा टमाटर का चटनी बन के रेडी हो गया है। और कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा जरूर। और किसको किसको टमाटर की चटनी पसंद है? हमें तो लग रहा है आर्यन बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि वो टमाटर छूटा नहीं है। आज मेरा खुद खाने का मन कर दिया, मैं बना ली। अब देखो आता है कैसा नाटक करता है। A few moments later. तो गाइस, यहाँ पे देखिए, शाम के घड़ी में बज रहे 5 बजने में 3-4 मिनट बाकी हैं। और इधर कपड़े इतने ढेर सारे हैं, मम्मी पूरा बाहर फैला रही हैं, बाकी जो सूखे कपड़े यहाँ पे उतारी हैं और है फोल्ड करने के लिए। मम्मी सारे जितना भी था आज ढेर सारा, देखिए काफ़ी कपड़ा था, क्योंकि वही मम्मी फैला रही है यहाँ पे। आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में, तब तक यहाँ पे मम्मी फैला के तब मिलते हैं आपसे। सो गाइस, आज है संडे और इधर देखिए शाम का समय हो गया है और घड़ी में बज रहे हैं 6:30। और काफ़ी दिन के बाद आज मैं घर पे नाश्ता मंगाई। आर्यन बाहर से नाश्ता करके आया, उसको बोली उसको जो मन था वो बाहर से खा के आ गया। मैं और आरो दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता में रेड कटलेस और जलेबी है, काफ़ी दिन के बाद मंगाई हूँ। और आरो खा रहा है तब आर्यन बोल रहा है कि देखो आर्यन को मैं अपने में से खिला रही, मैं बोली खा लो, बच्चे हैं जी नहीं मानता है, सब लोग खाते हैं, तो मैं बोली लो तुम भी खा लो। और इधर खा लिए रेड कैटलेस में, देखो क्या क्या मंचूरियन का सारा सामान डाल के सब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब नाश्ता करके मिलती हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मम्मी जो बर्तन धो रही है, कैसा बेसिन में इतना पानी भर गया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है, लहसुन छील रही हैं और लहसुन प्याज मंगवाए थे लेके आए कि नहीं। हाँ हाँ, देखिए कैसा लेके आए हैं, क्योंकि ये जाता है सामान ना जल्दी सही से लेके नहीं आता है, इसके लिए देखना पड़ता है कैसा एकदम मुलेर किए है। क्या बेच रहा है नीचे? पेरू। इतनी रात को पेरू वाला आया है? घर में पता कितने बज रहे हैं? ये सुबह आर्यन, सुबह टिफिन क्या लेके जाओगे? टिफिन देखो अभी बताऊंगा बाद में। कुछ लेके आए होते, वटाना भी नहीं है, धनिया पत्ती भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लहसुन प्याज लेके आ गया मैं, अब हमें छील रही है। छील रही है, क्या करें, घर गृहस्थी है तो जो सामान खत्म रहेगा मंगाना ही पड़ेगा। आर्यन है लाने के लिए, मम्मी उधर खाना बना रही है और आरो इधर बैठे बैठे आप लोग अभी मतलब की तैयारी कर रही हैं। और आरो को एक चीज दिखाऊं, आरो देखिए कितना अच्छा इधर ड्राइंग बनाया है, देखिए ये क्या है, घास है।
और ये क्या है, वार्ली पेंटिंग, वार्ली पेंटिंग बनाया, मतलब कि पेंटिंग नहीं किया है, पेंसिल से किया है। और ये देखिए इधर लाइटिंग किया है पेंसिल से, अच्छा लग रहा है जैसे लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएगा कि अच्छा बनाया आरो ने। आरो को मतलब कि ड्राइंग का तो टैलेंट है। क्यों आरो, क्या हुआ बोलो, तो तारीफ सुन के अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। हाँ, पैर दर्द कर रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में भैया जुड़े रहिए, यहाँ पे आरो ड्राइंग बना के, तब मिलते हैं आप सब। तो गाइस खाना पीना सब लोग खा लिए हैं और किचन हमारा देखिए नीट एंड क्लीन हो गया है, बर्तन भी साफ हो गया है। सुबह के लिए दूध भी गर्म कर दी हूँ चाय के लिए। और इधर आर्यन सो रहे हैं, अभी सो नहीं रहे, मतलब बिस्तर अपना ग्रहण कर लिए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं और सोने। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फैमिली, आप देखिए सुबह का टाइम हो गया है और सुबह देखिए 6:10 हो रहा है, कितने अंधेरा है बाहर, जैसे लग रहा है रात के 1-2 रहे हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह मम्मी मेरे टिफिन बना रही है, इधर चाय बन रहा है, चाय में थोड़ा चाय पत्ती डाल दी, लग ही नहीं रहा है। और इधर देखिए ये क्या बना रही हो, पास्ता। तो यहाँ पे देखिए पास्ता के लिए ये जो सब सब रहता है उसको फ्राई कर रही है। और इधर टमाटर, पास्ता 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 हो गया नाश्ता, पता नहीं कैसा लग रहा है, ओट जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है खाना है, पता नहीं क्या। चलो जो भी ब्लॉग में तो तैयार हो गया, और सुबह का नाश्ता पास्ता बनाए तो पता नहीं क्या। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं, आप लोग को घड़ी देख के बताती हूँ, मशीन के पास से हट जाओगे और ये वहाँ मशीन के पास से हट जाओ। अभी उस दिन मशीन पूरा निकल गया था, तो 11:15 हो रहे हैं। आज है मंडे का दिन जो कि भोलेनाथ का दिन है, आज पूजा नहीं हो पाया क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। जब मैं सो के उठी तो पानी ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, ब्रश करके आरू को भी नाश्ता दे दी और मैं भी नाश्ता दे दी। पता नहीं बोलती हूँ ना मैं बनाती हूँ पास्ता वगैरह लेकिन खाती नहीं, जैसे ली 2 खाई मुझे अजीब सा, बना अच्छा है लेकिन मैं खाती नहीं, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहाँ आया है, झूठ बोल रहे, पूरा नल खुला है, देखो कैसे हमको चिढ़ा रहे, मम्मी पानी आ गया, कहाँ आया है देख रहे हो, पूरा नल एकदम पूरा खोल दिया, बोलने तो गुड़ गुड़ ना। तो कल संडे था, मम्मी से भी बात हुआ है, गांव में हमारे गांव में क्या होता है जब मकर संक्रांति आता है तो लड़कियों को खिचड़ी भेजा जाता है। सब बोलते हैं खिचड़ी क्या होता है, मकर संक्रांति में जैसे होता है ना कि सब खाने पीने का सामान दाल चावल वगैरह वगैरह, जब मैं ससुराल में रहती थी तो मेरी मम्मी भेजती थी खिचड़ी, अभी तो पैसा ही भेज देती हैं। तो बोले कि चलो 1-2 में आपको भी भेजा, क्योंकि मेरी चाची की एक लड़की रहती है यहाँ पे गुजरात में, तो उनको भी चला गया है, मम्मी बोले थी उनको पैसा चला गया है, तो कहे चलो 1-2 में मैं भेज देती हूँ, आरो के लिए अलग से भेजूँगी। हम कह के तो आरो क्या बोल रहा है, देखो ये है मेरी नानी, नानी आपसे अच्छी तो मेरी नानी है और नानी से अच्छी तो मेरी मामी है। आरो अपनी बड़ी वाली मामी को बहुत लाइक करता है, मतलब अपने जमता है, क्योंकि आरो जब से आर्यन के पापा एक्सपायर हुए थे तब से वो मम्मी के यहाँ ही रहता था और उनका बड़ी वाली भाभी से लगाव कुछ ज़्यादा हो गया है आरो का, इसलिए उनसे ज़्यादा अटैच रहता है। और फिर मैं बोली बताओ मुझसे अच्छी नानी हो गई और नानी से अच्छी मामी हो गई, मतलब नानी मामी दे रही इसलिए अच्छी, कि नहीं इसके लिए नहीं, मैं नहीं देती हूँ, देती हूँ लेकिन आपसे अच्छी नानी है, नानी से अच्छी मामी है। हम सुन के बहुत हंस रहे थे। तो भाई हमारे भी मायके से मुझे खिचड़ी आएगा, खिचड़ी अब इतना दूर से कोई आ नहीं सकता है, आएगा तो ही पैसा ही आएगा, तो उसके लिए बच्चों के लिए कुछ ज़रूर खरीद लूँगी, क्योंकि मकर संक्रांति ऐसा त्यौहार है कि
मायके से अपनी मतलब मम्मी लोग अपनी लड़कियों को भेजती है, मेरे मायके में सबको जाता है, मेरी चाची की लड़की है उन लोग को भी जाता है, अभी तक मेरी बुआ लोग को जाता है, तो हम लोग तो अभी वो हैं, तो बोल रही थी कि जाएगा बुआ लोग को भी, एक बुआ को जाता है, एक दो बुआ को, और बाकी तो सब यही सब है। आप लोग के गाँव में लड़कियों को खिचड़ी जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नए अच्छे ब्लॉग के साथ। अरे कैसे बोल रहे थे जब नानी बोली कि अरे वो खिचड़ी भेज दूंगी ना, शर्मा गया। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।